बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑटोमेटिक कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोग्राम किस तरह से बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फॉर बैंकर्स के लिए। उसमें जो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होता है आपकी प्रिंसिपल पेमेंट्स के ऊपर, वो आपके हर जो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता है उसके ऊपर नेक्स्ट चार्ज जो होता है आपका इंटरेस्ट उस टोटल पर होता है। मिसाल के तौर पर 100 रुपीज का डिपॉजिट है, ठीक है, 100 रुपीज पे आपका इंटरेस्ट लग गया 5%, तो 5 रुपीज जो होगा वो आपका ऐड हो गया अमाउंट में, तो 105 नेक्स्ट जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपका 105 में ऐड होगा, 5% तो 5.25 ऐड होंगे उसके अंदर, यानी जो अमाउंट प्लस होगा टोटल करंट अमाउंट के अंदर फिर वो इंटरेस्ट ऐड होता है। तो ये सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से बनेगा फाइनेंशियल प्रोग्राम का, ये आज की कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये प्रिंसिपल और उसके साथ आपकी इंटरेस्ट और फिर इंटरेस्ट पर एनम और टर्म्स, यानी कितने साल की रिटर्न्स होंगी वो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे 50,000 इंटर पर एनम जो है वो हम कर लेते हैं 5% और टर्म्स जो है वो 6। अब ये शेड्यूल यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, इसका जो हमें यहाँ पर शीट बनानी है, ठीक है जी, इस प्रोग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिक अपडेट होगी। तो यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं और यहाँ से इसको बढ़ा लेते हैं, मर्ज सेंटर या सपोर्ट कंपाउंड, और इसके साथ अब यहाँ से प्रोग्राम बनेगा एक, और इस प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ डिटेल आ रही होगी इस कंडीशंस के हिसाब से वो रिकॉर्ड अपीयर हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है जी, यानी जो चेंज करेंगे उसी हिसाब से वो चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ईयर का कॉलम आ जाएगा, फिर यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल के साथ फिर आ जाएगा इंटरेस्ट और एंड ऑफ ईयर। तो यहां से कॉलम विथ बढ़ा लेते हैं हम, यहां से सेंटर कर लेते हैं लाइन विथ बोल्ड, और इसको अनमर्ज करेंगे यहां तक हेडिंग को कवर कर लेते हैं। ये हमारी टिक आउटसाइड, ठीक है जी, इफ ये यहाँ पर हम ऑटोमेटिक इसको कर लेते हैं बराबर ब्लैंक, तो ब्लैंक नहीं तो यहाँ पे वन आ जाए, ठीक है, जब यहाँ एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक वन आ गया, और इसको सेंटर कर लेते हैं, फिर इक्वल इफ इसमें प्लस वन करने पर ग्रेटर देन इसके F4 कॉमा तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ऊपर में प्लस वन इफ एरर के साथ यूज करेंगे इसको, और एंड में इसको दो इनवर्टेड कॉमा दे देंगे ब्लैंक। अब देखें यहाँ पे ये पेमेंट्स हमारी उठानी है, इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट सिलेक्ट करेंगे और इसको हमें यहाँ तक यूज करना है, अलाइन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है जी, सभी को जहां तक वर्किंग हो सकती है वहां तक ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं और अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और यहां से एरियल कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। और इसके साथ अब ये 6 तक आनी चाहिए फिल होके, 6 से ज्यादा होगी तो ब्लैंक, ठीक है जी, एंड तक इसको फिल कर लें। यहां से अब इसका फायदा ये होगा कि जो भी आप कंडीशंस अगर बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिक, जैसे 10 साल की आपने कंडीशन ऐड करी,
तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 10 तक ट्रैक हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया इसका, और इस सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा सीरियल। नेक्स्ट अब इसके ऊपर ऐड होगा प्रिंसिपल 50। ठीक है जी, फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है जी, और 5% से, और इसको हम करेंगे F4 एंटर। तो 50,000 का जो होगा वो 5% 2500 हो गया। एंड ऑफ ईयर पे इसको फिक्स करेंगे इसके अंदर और एंटर, तो टोटल अमाउंट बन गया ये। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो इस अमाउंट के ऊपर बनेगा, और इसको इस तरह से यहाँ पर लाना है कि जब हम इसको कैलकुलेट करके ट्रैक करेंगे तो जितने मंथ की यहाँ पर कंडीशन है टर्म्स, यानी उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक यही कंडीशन हर साल की रोलिंग होती रहे। यानी इसमें अभी जैसे हमने कॉल करा, इसको यहाँ पर लिया है, अब नेक्स्ट इंटरेस्ट जो लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ। तो अब ये अमाउंट बन गया इंटरेस्ट का 2625 2625। तो अब ये इसके अंदर फिर प्लस हुई कंडीशन। अब ये नेक्स्ट इसके अंदर ये प्लस करने के बाद टोटल अमाउंट बन गया आपका 555125। और इसको जो होगा ये हमने सिलेक्ट करी है कंडीशन 5% वाली। अब इसको हमें यहाँ से करना है फिल। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस हमारा अपडेट होता रहेगा। तो इसको यहाँ पर ड्रैग करने से पहले F4 कर देंगे हम। ठीक है जी, तो ये कंडीशन, अब ये बैलेंस इधर आएगा हमारा ड्रैग करने से, फिर इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई 5% होगा, फिर इसके अंदर प्लस होगा, तो नेक्स्ट ये बैलेंस यहाँ आ जाएगा। तो ये रनिंग बैलेंस में इंटरेस्ट हर दफा का जो प्लस हो रहा है वो ऐड होकर न्यू बैलेंस जो आएगा वो उसमें फिर करंट बैलेंस बनेगा प्रिंसिपल का। तो ये कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे अब। एक रॉ में ड्रैग कर रहा हूँ फर्स्ट पहले चेक करने के लिए कि हमारी 55125 की जो अमाउंट है प्रिंसिपल में ऐड होगी। तो बिल्कुल सही है, देखें अभी ये पेमेंट हमारी यहाँ ऐड हुए, फिर इसके ऊपर जो लगा है 5% लगा इस पेमेंट पे, फिर वो हमारा ऐड होगा टोटल एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल बना। फिर नेक्स्ट ईयर का जो होगा ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा जो एंड ऑफ ईयर का क्लोजिंग अमाउंट हो रहा है। देखें हम यहाँ पर 7782। तो इस तरह से ये पूरी कंडीशन आपकी कंटिन्यू जितनी टर्म्स होंगी उस हिसाब से आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, और इसको आप इस तरह से ऐड कर लें। ये आपकी 10 साल के अमाउंट की सारी कैलकुलेशन आ गई जितनी टर्म्स कंडीशंस थी, और जहां पॉइंट वैल्यू आ रही है उसको कंट्रोल करना है, डेसिमल यहां से डिक्रीज कर सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू आपकी जो होगी वो खत्म हो जाएगी राउंड के अंदर, यानी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने डिस्कस किया है आज, जो कि आपका अमाउंट होगा उसके अंदर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो प्लस होने के बाद नेक्स्ट ईयर का जो टोटल होगा फिर वही करंट इंटरेस्ट आपका उस टोटल के ऊपर ऐड होता है, तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है जी, अब ये सीरियल के हिसाब से जो है हमारे पास ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड आना चाहिए, यानी अगर हम यहाँ पर 6 लिख रहे हैं तो ये 6 तक नहीं शो हो रहा है, उसके आगे तक ड्रैग हुआ हुआ है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट सेल हमने क्या किया था प्रिंसिपल क्लिक, सेकंड सेल में हम डबल क्लिक करेंगे जो एंड ऑफ ईयर का बैलेंस यहाँ लाए थे, इसके लिए इक्वल इफ और इस सेल की कंडीशन सेलेक्ट करके बराबर है 2 inverted comma ब्लैंक के कॉमा, तो यहाँ पर भी ब्लैंक हो जाए 2 inverted comma, नहीं तो वैल्यू फॉल्स में ये वाली बैलेंस वैल्यू चलाएं और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको फिल करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेम यही कंडीशन के लिए हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं इसको, इक्वल इफ ये सेल बराबर ब्लैंक है कॉमा, तो ब्लैंक दिखाएं वरना तो मल्टीप्लाई चला लें, ब्रैकेट क्लोज एंटर और फिल करेंगे इसको भी। ठीक है जी, और यही कंडीशन जो होगी वो यहाँ के लिए भी करेंगे, इक्वल इफ फर्स्ट सेल बराबर ब्लैंक है कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक, नहीं तो इसके अंदर प्लस ये अमाउंट हो जाए, एंटर करेंगे और नीचे इसको फिल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक होगी। आप इसको हम चेक कर लेते हैं 10 तक, तो ये ऑटोमेटिक देखिए 10 ईयर तक की जो कैलकुलेशन होगी उसका इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा होगा कंपाउंड हर साल का और प्लस होंगे टोटल अमाउंट जो आ रहा है वो आपको चलता रहेगा यहाँ पर। अब टर्म्स आपकी मर्जी है, इंटरेस्ट आपकी मर्जी, जो इंटरेस्ट आप
टाइप करेंगे, जितना अमाउंट आप टाइप करेंगे उस हिसाब से शेड्यूल खुद ब खुद बन जाएगा जितने इयर्स का आपको बनाना है। ठीक है जी, 1000 के हिसाब से आएगी। इसी तरह 5 साल का बनाना है तो 5 साल के हिसाब से ये सारे अमाउंट की कैलकुलेशन आ गई। मुझे बनाना है 10,000 का, 10,000 का, 10,000 के हिसाब से सारा प्रोग्राम बन गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो हर साल के हिसाब से जो इंटरेस्ट लग रहा है उस हिसाब से जो आपको रिटर्न करना होगा अमाउंट को, वो आपकी पेमेंट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, या सेविंग अकाउंट्स के अंदर जो होता है वो अमाउंट वगैरह जो ऐड हो रहा होता है वो भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल मैंने शेयर किया है, उस हिसाब से फिर आप अपने कैलकुलेशन वगैरह को और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब इसमें एक और एडवांस सॉफ्टवेयर की तरह से फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जितनी डिटेल से जो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर सकते हैं और फॉर्मूले और जगहों पर भी एडवांस आप यूज कर सकते हो, सब क्लियर और एक्सप्लेन करूँ हर तरह से हर चीज को। तो ईच एंड एवरीथिंग जिस तरह आपको सीखने को मिल जाती है हर चीज में आसानी से, तो उसी तरह आसानी से एक लाइक्स का बटन भी ऑप्शन होता है उसमें, लाजमी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया ताकि और इस तरह से ज्यादा चीजें जो आपको हो सकती है आपके साथ शेयर की जाए। तो डिपेंड करता है आपके फेवरेटिज्म और उसके ऊपर कि क्या अच्छा लग रहा है आपको, तो वो आपके रिस्पॉन्स से और लाइक से पता चलता है। ठीक है जी, और अपनी फीडबैक से भी जरूर आगाह किया करें वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अब जो मैं ऑप्शन ऐड करने जा रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि ये तो ऑटोमेटिकली सब हो रहा है, लेकिन हमसे अगर ये कहा जा रहा है कि अगर हम 5 साल के हिसाब से कंडीशन आपको इस अमाउंट की इंटरेस्ट इतना बता रहे हैं तो उसके टोटल अमाउंट की कैलकुलेशन बताया हमें। ठीक है जी, तो ये किस तरह से कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो सकती है, यानी टोटल इंटरेस्ट कितना रहा, टोटल प्रिंसिपल कितना रहा, तो वो चीज जो होगी, लेकिन वो कैलकुलेशन जो होगी फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इसके अंदर, क्योंकि हर कंपाउंड में हमारे पास जो इंटरेस्ट होता है वो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट होता है बैलेंस उसमें ऐड हो रहा होता है, तो इसके अंदर टोटल की इतनी नीड नहीं है। जो लास्ट होगा वही आपका टोटल अमाउंट बनेगा इसका, जो सिंपल इंटरेस्ट का शेड्यूल अमोर्टाइजेशन का मैं बताऊंगा तो उसके अंदर फिर सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम ईयर बेस के हिसाब से जो हम ईयर टाइप करेंगे उसकी कंडीशन के बाद टोटल ऑटोमेटिकली और फिर उसकी अमाउंट की इंटरेस्ट की एंड ऑफ ईयर की सबकी टोटल अमाउंट की वैल्यू हमारे सामने खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएंगी। और जिस तरह से हम ऐड करेंगे इसको, जैसे ईयर हमने बढ़ा दी है 10, तो ऑटोमेटिक 10 ईयर तक का शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद उसकी टोटल वैल्यू हर उसके कॉलम्स की नीड में नीचे एंड रॉ में ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। तो ये भी आने वाली वीडियो के अंदर कवर होगा। अगर इस वीडियो के लाइक्स भरपूर आएंगे, आपको रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो फिर उस टॉपिक को भी आपके साथ लाजमी मैं शेयर करूंगा। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।